Today we are going to read the lesson number 3, The Journey, written by Temsula Ao. This lesson is for the students of BA Part 1, all private students, and for the students of semester 2nd also, BA Part 1. So we are starting the lesson, The Journey, written by Temsula Ao. Before starting the lesson, let us read about the writer Temsula Ao. Temsula Ao is the major literary personality from the Northeast. Temsula Ao Northeast ki ek major literary personality rahi hai. Unhone poems likhi hain, ethnographic pieces, yani ki cultural writings likhi hain aur iske alawa short stories likhi hain. She belongs to Ao Naga community. Wo Ao samaj ki ek Naga samuday se belong karti hain. उन्हें 2007 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया एंड इन 2013 शी गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड आल्सो. आज वर्क हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस सच एज जर्मन, फ्रेंच, बंगाली एंड हिंदी. इनके वर्क्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. शी वॉज रिटायर्ड एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहू शिलोंग. और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंक्लूड, उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में हम इंक्लूड करते हैं कुछ स्टोरीज़ को, जैसे कि दीज हिल्स कॉल्ड होम, स्टोरीज़ फ्रॉम ए वॉर जोन एंड लेबरनम फॉर माय हेड. प्रेजेंट स्टोरी द जर्नी इज फ्रॉम दीज हिल्स कॉल्ड होम. आज जो स्टोरी या जो लेसन हम रीड कर रहे हैं जिसका नाम है द जर्नी, वो उनकी बुक दीज हिल्स कॉल्ड होम से ली गई है. It traces the experience of an adolescent girl whose journey is both literal and metaphoric. इस लेसन में हम एक किशोर गर्ल के उन अनुभवों को पढ़ेंगे, उस यात्रा को पढ़ेंगे जो कि ना सिर्फ फिजिकल यात्रा है बल्कि एक प्रतीकात्मक यात्रा भी है. The writer gives a vivid picture of the lush green landscape with abundant biodiversity of flora and fauna. राइटर ने हमें गर्ल के इस एक्सपीरियंस के साथ साथ उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति और जीव जगत के बारे में भी भरपूर जानकारी दी है. द ब्रदर सिस्टर बॉन्ड इज इक्वली हार्ट वार्मिंग. कहानी के अंदर वर्णित ब्रदर सिस्टर बॉन्ड को भी बहुत ही अच्छे से वर्णित किया गया है. नाउ लेट स्टार्ट द लेसन द जर्नी. इस कहानी की स्टार्टिंग एक छोटी बच्ची के मॉर्निंग में जागने से होती है. जैसे कि हम फर्स्ट लाइन रीड कर रहे हैं, The squealing of a piglet which escaped to the main room where they were sleeping awakened the young girl. Squealing of piglet, छोटे छोटे pigs के चीखने की आवाज़ जो कि main room से निकल कर भाग गए थे, जहाँ पर कि एक young girl सो रही थी, एक छोटी बच्ची सो रही थी, उनकी आवाज़ से वो जाग गई. It was still dark but she was already alert. अभी अंधेरा था लेकिन वो अभी अलर्ट थी उठने के लिए. बिकॉज दिस वॉज द डे दैट शी वॉज रिटर्निंग टू हर बोर्डिंग स्कूल. क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन उसको अपने बोर्डिंग स्कूल वापस जाना था. द विंटर वेकेशन ऑफ नियरली 2 months सीम टू हैव गॉन बाय वेरी क्विकली. विंटर की वेकेशंस जो कि 2 months की थी, ऐसा प्रतीत होता था कि बहुत जल्दी चली गई. शी वॉज फीलिंग अ लिटल डिस्टर्ब एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैविंग टू अंडरगो अनदर ड्रास्टिक चेंज ऑफ एनवायरमेंट. और वो थोड़ी सी डिस्टर्ब फील कर रही थी किस प्रोस्पेक्ट पर कि अब फिर से जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा. बिकॉज जहाँ वो रहती थी वहाँ का पर्यावरण बिल्कुल अलग था और जहाँ जिस बोर्डिंग स्कूल में वो पढ़ती थी वहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था. तो इस वातावरण के चेंज की वजह से वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी. शी स्टिल रिमेंबर्ड क्लियरली ईच डिटेल ऑफ द जर्नी विच हैड ब्रॉट हर फ्रॉम द प्लैन्स ऑफ आसाम टू हर विलेज इन द नागा हिल्स. उसे उस यात्रा की प्रत्येक डिटेल आज भी बिल्कुल अच्छे से याद थी जब वो असम के मैदानी एरिया से अपने घर, अपने गांव नागा हिल्स के अंदर, नागा की पहाड़ियों के अंदर वापस आई थी. आफ्टर द जर्नी फ्रॉम हर स्कूल टू द फुट हिल्स टाउन ऑफ मरियानी शी हैड स्पेंट द नाइट इन द लॉफ्ट ऑफ अ काइंडली शॉपकीपर. और अपनी इस यात्रा के बाद जब वो स्कूल से मरियानी टाउन की तलहटी में आई थी, अपनी उस यात्रा के बाद उसने एक काइंडली शॉपकीपर की लॉफ्ट में रात बिताई थी. इन द मॉर्निंग शी सा द वूमेन ऑफ द ग्रुप कुकिंग राइस एंड करी इनफ फॉर 2 मील्स. और सुबह उसने देखा कि जिस ग्रुप के
जिस ग्रुप के साथ वो रुकी थी उस ग्रुप की महिलाएं चावल और करी बना रही थी जो कि दो समय के भोजन के लिए पर्याप्त थी। वन टू ईट बिफोर दिस सेट आउट, एक बार उन्हें ये खाना तब खाना था जब वो वहाँ से निकलते यानी चलते। एंड अनदर टू बी ईटन एट नून, और दूसरी बार वो दोपहर को खाना खाना चाहते थे। व्हेन दे रीच द हाफ वे पॉइंट ऑफ देयर जर्नी, जब वो लगभग अपनी जर्नी का आधा रास्ता पूरा कर चुके होते। द राइस वॉज कुक्ड केम फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द पार्टी, और ये चावल ग्रुप के अंदर जितने भी सदस्य थे उन वो सभी अपने साथ लेकर आए थे और उन्हीं चावलों से ये भोजन तैयार किया जा रहा था। बिकॉज इट वॉज द कस्टम फॉर विलेजर टू कैरी सफिशियंट प्रोविजन्स विच वुड लास्ट देम फॉर देयर जर्नी, और सभी ग्रामीण अपने साथ भोजन इसलिए लेकर आए थे क्योंकि ये एक कस्टम थी, ये एक रिवाज था कि सभी विलेजर्स अपने साथ उतना प्रोविज़न उतना राशन लेकर जाएं जो कि उनकी यात्रा तक चल जाए। अ लार्ज कॉमन पॉट बिग इनफ टू कुक फॉर द ग्रुप वॉज कैरीड बाई वन मेम्बर, एक बहुत बड़ा बर्तन जिसके अंदर की ग्रुप के लिए खाना बनाया जा सके जो इतना बड़ा था वो इस ग्रुप का एक सदस्य लेकर आया था। दे हैड टू प्रिपेयर अ मील, ईच वन पुट इन अ कप फुल ऑफ राइस, अब प्रत्येक मेंबर ने ग्रुप के इसके अंदर एक कप राइस डाला अपने राशन से जो कि वो लेकर आए थे। आफ्टर अ कोल्ड एंड रेस्टलेस नाइट द यंग गर्ल वॉज हंग्री एंड एट वोरेशियसली, और इस कोल्ड और रेस्टलेस नाइट के बाद इस छोटी बच्ची को भूख फील हुई और उसने बहुत ही सारा खाना खाया। शी वंडर्ड इफ हर ब्रदर टू हैड ब्रॉट प्रोविजन और इफ ही हैड वर्कड आउट सम अदर अरेंजमेंट विद अ डिस्टेंट कजन, उसे हैरानी थी, वो सोच रही थी कि क्या उसका भाई जो कि उसको हॉस्टल से घर लेकर जा रहा था वो भी अपने लिए प्रोविज़न लेकर आया था, राशन लेकर आया था, या फिर उसने एक दूर के कज़न से ये अरेंजमेंट की थी। हु वाज़ विद देयर पर्टिकुलर ग्रुप, जो कज़न था वो इस ग्रुप के साथ ही था। द फायरवुड रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग मील्स हैड बीन गैदर्ड एट द फुट हिल्स, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जिससे कि खाना बनाया जा सकता था वो पहाड़ी की तलहटी से इकट्ठी कर ली गई थी बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी, यात्रा के शुरू होने से पहले ही। आफ्टर द मॉर्निंग मील द पार्टी सेट ऑफ एट अ ब्रिस्क पेस इन सिंगल फाइल, मॉर्निंग मील के बाद इस ग्रुप ने एक ही बार में फुर्ती वाले कदमों से अपनी यात्रा शुरू की। एवरी मेम्बर्स बास्केट लेडन विद साल्ट, प्रत्येक सदस्य की बास्केट नमक से भरी हुई थी। साल्ट के अलावा प्रत्येक सदस्य के बास्केट में और भी कुछ सामान था जैसे कि ड्राई फिश, सोप, साबुन, बॉटल ऑफ हेयर ऑयल, हेयर ऑयल की बॉटल्स एंड इवन कैरोसिन ऑयल फॉर देयर लैंप्स, और इसके अलावा लैंप जलाने के लिए कैरोसिन ऑयल भी इनके बास्केट्स में था। दीज वर परचेज्ड विद द मनी दे अर्न्ड बाय सेलिंग ऑरेंजेस, जिंजर, यैम एंड एट टाइम स्पेशल स्टिकी राइस, और ये सारा सामान उन्होंने उस मनी से ख़रीदा था जो कि उन्होंने ऑरेंज, जिंजर, यैम और कुछ स्टिकी राइस, चिपचिपे राइस को बेचकर प्राप्त किया था। सच जर्नीज वर पॉसिबल ओनली ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, इस तरह की यात्राएं सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही पॉसिबल थी। बिकॉज द मैनी हिल स्ट्रीम्स एंड रिवर दैट क्रिस क्रॉस्ड एंड टेरेन कुड ओनली बी ट्रेवर्स्ड व्हेन द वाटर लेवल वॉज डाउन, क्योंकि इस टाइम पर जो हिल स्ट्रीम्स थी, हिल से बहने वाले जो झरने थे और जो नदियाँ थी एंड रिवर्स दैट क्रिस क्रॉस्ड द टेरेन, जिसमें कि जो लहरें थी वो काफ़ी तेज होती थी, वो सिर्फ उसी टाइम पर पार की जा सकती थी जिस टाइम पर पानी का लेवल डाउन होता था, और विंटर सीजन में ये लेवल डाउन था, इसीलिए इस तरह की जर्नी सिर्फ विंटर सीजन में ही की जा सकती थी। जस्ट नी डीप एट दी पॉइंट्स, इस टाइम पर जो पानी था वो घुटनों तक गहरा होता था। द विलेजर वुड क्रॉस इन ग्रुप्स, और इस नदी को विलेजर्स ग्रुप्स में पार करते थे होल्डिंग वन अनदर्स हैंड, और एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार करते थे सो दैट दे डिड नॉट गेट स्वेप्ट अवे बाय द स्विफ्ट करंट्स, ताकि वो तेज लहरों के अंदर बह ना जाएं। इट वाज वन सच ग्रुप दैट हर ब्रदर हैड टीम्ड अप विद व्हेन ही केम टू एस्कॉर्ट हर फ्रॉम हर स्कूल टू द विलेज, और ये एक ऐसा ही ग्रुप था जिसके साथ उसके भाई ने टीम अप किया था जब वो तिनुला को विलेज से स्कूल से विलेज ले जाने के लिए आया था। इस गर्ल का क्या नाम था? तिनुला।
ठीक है, द अर्ली स्टार्ट इंश्योर्ड दैट द ट्रैवलर्स वुड रीच होम बिफोर सनसेट। और जैसा कि ग्रामीणों ने बहुत जल्दी अपनी यात्रा शुरू कर दी थी, तो इस बात से इंश्योर होता था, सुनिश्चित होता था कि ये जो यात्री थे ये सूर्य अस्त होने से पहले ही घर पहुंच जाना चाहते थे। शी रिमेम्बर्ड अगेन, उसे आज भी याद है कि हाउ हर ब्रदर वॉकिंग बिहाइंड हर वुड अर्ज हर टू वॉक फास्टर, कैसे उसका भाई जो उसके पीछे पीछे चल रहा था उसे बार बार तेज चलने के लिए रिक्वेस्ट करता था, अर्ज करता था, टेलिंग हर, और उसको कहता था फास्टर फास्टर इन द इवनिंग्स टाइगर्स रोम दीज जंगल्स, कि जल्दी चलो क्योंकि इवनिंग में इन जंगलों में शेर चीते भी आते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फियरफुल प्रोस्पेक्ट शी कुड नॉट कीप पेस विद द अदर्स, लेकिन इस डर के बावजूद भी तिनुला बाकियों के साथ अपने कदम नहीं मिला पा रही थी, क्यों, बिकॉज शी वॉज अ लिटल गर्ल। एंड वेन दे रीच द हाफ मार्क ऑन द बैंक ऑफ द दिसोई रिवर, और जब वो दिसोई रिवर के किनारे पर हाफ मार्क पर पहुंचे, द अदर्स वर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर देयर अराइवल, तो जो बाकी लोग थे वो उनके पहुंचने का अधीरता से वेट कर रहे थे। सम हैड इवन ओपन देयर लीफ पैकेट्स ऑफ राइस एंड करी, इनमें से कुछ ने तो अपने लीफ पैकेट्स मतलब पत्तों के जो पैकेट्स थे वो पत्ते खोल लिए थे ताकि चावलों को उन पर रखकर, चावल और कड़ी को उन पर रखकर खाए जा सके। रेडी टू स्टार्ट एज सून एज एवरीवन अराइव्ड, और वो इतना रेडी थे खाने के लिए कि जल्दी से सभी वहाँ पहुँचे और वो खाना स्टार्ट करे। सम वीमन फ्रॉम द ग्रुप केम ओवर टू द यंग गर्ल, ग्रुप में से कुछ महिलाएं इस छोटी बच्ची के पास आई एंड ड्रॉप सम पीसेस ऑफ मीट ऑन हर लीफ प्लेट, और उसकी पत्ते की प्लेट के ऊपर मीट के मांस के कुछ टुकड़े रख दिए। एज अ रिजल्ट शी हैड अ ह्यूज माउंट ऑफ राइस, और इसका परिणाम ये हुआ कि उसकी प्लेट में राइस का एक बड़ा सा माउंड यानी ढेर लग गया। एंड मैनी पीसेस ऑफ मीट, और बहुत सारे मीट के टुकड़े इकट्ठे हो गए, विच शी कुड नॉट फिनिश, जिसे वो फिनिश नहीं कर पाई। व्हेन शी वाज अबाउट टू थ्रो अवे द लेफ्ट ओवर फूड, और जब वो बचा हुआ खाना फेंकने लगती है, तो हर ब्रदर स्कोल्डेड हर, उसके भाई ने उसे डांटा, स्कोल्डेड यानी डांटा, डोंट डू दैट, उसने कहा कि ऐसा मत करो, पैक